एनएल न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वंदना रोही। एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर एक्टर सतीश कौशिक का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। सतीश कौशिक ने 66 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। पूरे बॉलीवुड जगत में शोक है। मशहूर एक्टर सतीश कौशिक का निधन हुआ है। 66 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। हार्ट अटैक से उनके निधन की बात सामने आई है। उनके बेहद करीबी दोस्त अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है। सतीश कौशिक का निधन हार्ट अटैक से हुआ है। तबीयत खराब होने पर उन्हें गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। सतीश के पार्थिव शरीर को लेकर परिजन पैतृक गांव के लिए निकल पड़े हैं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और जाने माने डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया है। अनुपम खेर ने सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है कि जानता हूं मृत्यु भी इस दुनिया का अंतिम सच है, लेकिन अपने जिगरी दोस्त के बारे में ये लिखूंगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था, कभी कल्पना नहीं की थी। बता दें कि सतीश कौशिक बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता, कॉमेडियन, स्क्रिप्ट राइटर, निर्देशक और निर्माता थे। डायरेक्टर व एक्टर सतीश कौशिक का हृदय गति रुकने की वजह से देर रात निधन हो गया। यह निधन गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में हुआ, क्योंकि देर रात उनको फोर्टिस अस्पताल लाया गया था उपचार के लिए, और वहीं पर उन्होंने अपनी प्राण त्याग दिए। मैं रहता था और वो मेरे साथ वाले बेंच पे बैठे थे, और तब से लेकर 7 मार्च 2023 तक हमने वक्त साथ में गुजारा। मेरे उस दिन रात को मेरे बर्थडे पर वो खाना खाने आए थे, और कल भी मेरी शाम को 7:30-8 बजे उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा तू थोड़ा थका हुआ साउंड कर रहा है। कहता, हाँ मैं होली मना रहा था और अभी मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। एंड रात को जब मैं सोया हुआ था तो 2 बजे करीब मेरे डोमेस्टिक हेल्प जो थे वो आए, और उन्होंने मुझे कहा कि सतीश जी, तो मैं सोया हुआ था तो मुझे लगा सतीश जी मिलने आए हैं। तो मैंने कहा, हाँ बिठाओ उनको, सिटिंग रूम में बिठाओ। तो बोले कि नहीं, वो है नहीं। तो इस बात का यकीन तो मुझे ज़िंदगी भर नहीं रहने वाला, बिकॉज सतीश जी ना केवल मेरे दोस्त थे, ना केवल मेरे भाई थे, मेरी एक आदत थे, और आदत ऐसी थी कि छूटने वाली नहीं थी। तो इट्स सैड, इट्स हॉरिबल। एज ए दोस्त हम रोज़ सुबह उठकर बात करते थे 8 बजे, और हमारी होड़ लगी थी कि आज किसने पहले फ़ोन किया, कौन पहले जागा। हेल्थ के बारे में बात करते थे, फिटनेस के बारे में बात करते थे, बहुत ही मजाकिया किस्म के, हर बात को मुस्कुरा कर हंस के इस एटीट्यूड से लेना, आई थिंक उनकी आदत थी। ज़िंदगी कैसे जिंदा दिली से जी जा सकती है, वो कोई उनसे सीख सकता था। एंड ऐसे में उनका इस कम उम्र में चले जाना, ये इसका मलाल पूरी ज़िंदगी रहेगा। एज एन एक्टर ही वॉज एन अनबिलीवेबल ब्रिलियंट एक्टर। देखिए, हम दोनों निम्न वर्गीय परिवार से आए हैं, और हमने अपने बलबूते पर अपनी जो भी हमने मेहनत की है, हम पहुँचे इस मुकाम तक, और उनको हमेशा इस बात का ये बंद कर दो जरा ओके हमको हमेशा इस बात का गर्व रहता है कि भाई हमने हमेशा इस शहर ने हमको मौका दिया, और हमने हमेशा साथ निभाया है। बतौर एक्टर, बतौर क्रिएटिव पर्सन, बतौर इंटेलेक्चुअल, ही वॉज फैंटास्टिक एंड ही टच्ड पीपल्स लाइव्स। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू डील विद इट, दिस लॉस। अभी तो फिलहाल क्योंकि इट्स एन अनएक्सपेक्टेड हार्ट अटैक थिंग, तो ही विल हैव टू सॉर्ट ऑफ भी हॉस्पिटल में है, पोस्टमार्टम उनका करेंगे, तो फिर वो एयर एम्बुलेंस से यहाँ लाएंगे। तो डिपेंड करता है कि कितने बजे यहाँ पहुँचते हैं, फिर हमारे बहुत सारे लोग उनको मिलने आएंगे, और उसके बाद देखेंगे। वो सब डिपेंड करता है कि पोस्टमार्टम कब ख़त्म होता है, और कब उनको सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। उनकी मेमोरीज पर मैं आपके साथ 4 दिन इंटरव्यूज कर सकता हूँ, वो भी तब भी ख़त्म नहीं होगा, हम इंटरवल पॉइंट पे भी नहीं पहुँचेंगे। तो मेमोरीज तो अभी फ्लैश कर रही हैं दिमाग में, मुश्किल है बताना।
अपने दोस्त को याद करते हुए अनुपम खेर भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि जिंदा दिल इंसान थे सतीश कौशिक, रोजाना फोन पर बातचीत होती थी, मेरी आदत बन चुके थे, बहुत मुश्किल होगा यकीन कर पाना कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। 66 साल की उम्र में सतीश कौशिक का हार्ट अटैक से निधन हुआ है और अनुपम खेर जो कि उनके बेहद करीबी दोस्त रहे हैं, एनएसडी में दोनों साथ पढ़े, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में भी एक साथ ही शुरुआत की। आज उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अनुपम खेर ने ट्वीट किया और लिखा कि मृत्यु एक कड़वा सच है लेकिन ये मैं अपने दोस्त के लिए लिखूंगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी कल्पना नहीं की थी। अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए एक अलग पहचान बनाने वाले सतीश कौशिक अब इस दुनिया में नहीं है। 66 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता थे, कॉमेडियन, स्क्रिप्ट राइटर, निर्देशक और निर्माता रहे हैं। हरियाणा में ही उनका जन्म हुआ था। बॉलीवुड में अपना पहला ब्रेक पाने से पहले उन्होंने थिएटर में काम किया। फिल्म अभिनेता के रूप में सतीश कौशिक मिस्टर इंडिया फिल्म में उन्हें पहचान मिली। 1987 में ये फिल्म आई थी। इसके बाद 1997 में दीवाना मस्ताना में पप्पू पेजर का किरदार निभाया जो दर्शकों को बेहद पसंद आया। 1990 में उन्होंने राम लखन के लिए और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें मिला था। मिस्टर इंडिया पहली फिल्म थी जिससे उन्हें पहचान मिली। 66 साल की उम्र में निधन हुआ है, बहुत जल्दी चले गए ऐसा कहना है अनुपम खेर का और यकीन कर पाना मुश्किल है। पूरे बॉलीवुड जगत में आज दुख की लहर है उनके निधन से, हर कोई हैरान है। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था जहां तबीयत लगातार बिगड़ती रही और ये दुखद खबर सामने आई। हर कोई आज उनसे जो जुड़ा हुआ है, उनके साथ जिन्होंने वक्त बिताया है, सब दुखी हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। जैसा कि अनुपम खेर ने भी कहा कि पूरा फ्लैशबैक चल रहा है किस तरीके से वो उनके साथ समय बिताते थे, उनके भाई जैसे थे, जिगरी दोस्त थे। बहुत दुख हुआ है उनके जाने से। तमाम सतीश कौशिक के फैंस, फिल्मी सितारे नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी हर कोई सतीश कौशिक की याद में पोस्ट लिख रहा है। कौशिक के जाने से फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकेगी। उनके करीबियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। पूरे बॉलीवुड गलियारे में मातम पसरा है। अनुपम खेर जो कि उनके बेहद करीबी दोस्त रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है लेकिन मैं अपने जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में ये लिखूंगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम, जिंदगी तुम्हारे बिना अब कभी पहले वाली नहीं रहेगी। ओम शांति लिखते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। पंजाबी एक्टर गुरप्रीत गुग्गी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुरप्रीत जी, बहुत ही दुखद खबर सामने आई है सतीश कौशिक को लेकर, आप किस तरह से उन्हें याद करेंगे? जी बिल्कुल जी, बहुत दिग्गज कलाकार हमने खो दिए और बहुत ही टैलेंटेड, क्योंकि ये ना एक पूरा बैच था जो एफटीआई से टाइम पे निकला था, जिसमें सतीश शाह साहब भी, नसीर साहब उन्हीं दिनों के हैं, राकेश बेदी साहब, सिनेमेटोग्राफर हमारे मनमोहन सिंह जी, और भी ना जाने कितने लोग एक ही बैच में, जो बहुत डेविड धवन साहब भी उसी टाइम के हैं। तो ये एक बड़े टैलेंटेड लोगों का एक बंच तब निकला था। तो सतीश कौशिक साहब मुझे लगता है कि उन सब में से एक अलग तरह की शख्सियत थे, क्योंकि राइटिंग भी उनकी कमाल की, परफॉर्मर कमाल के, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे नेचुरल टैलेंट वाले लोग अब वो कभी हिंदुस्तान को दोबारा नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज विधा बदल गई है, आज अप्रोच बदल गई है कलाकार की, डायरेक्टर की, राइटर की।
तो हमने एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारी कला जगत का, क्योंकि साधारण से परिवार से आके और इतना बड़ा नाम बनाना, इज्जत व एहतराम कमाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। बिल्कुल गुरप्रीत जी, एक जिंदा दिल, वाइब्रेंट पर्सनैलिटी के वो शख्सियत थे, इसलिए सब उनको याद भी कर रहे हैं। कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई हो, कोई ऐसा वाकया जो आप बताना चाहें? जी बिल्कुल जी, कई बार मंच पे मुलाकात उनसे हुई, और एक बार उनकी फिल्म शूट चल रहा था तो उस पे भी, सेट पे भी, तो क्योंकि हम उनको हमेशा एक सीनियर की नजर से देखते थे, तो वहां पे ज्यादा बोलने से अच्छा लगता था कि इन लोगों को सुने सीनियर्स को, तो जो एक पॉजिटिविटी उनमें थी वो कमाल की थी जी। और जब भी कभी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जब भी कभी उनसे मुलाकात करने का मौका मिला, तो आज भी आप आंखें बंद करके देखेंगे तो उनका एक स्माइलिंग फेस ही आपकी आंखों के सामने आएगा। तो वो एक जो चीज थी उनसे सीखने वाली थी, पॉजिटिविटी, कि वक्त जो होता है वो सिर्फ दीवार पे दिखना चाहिए, घड़ी पे वो आपके चेहरे पे वो नहीं दिखना चाहिए कि वक्त क्या चल रहा है ना। तो वो एक, मैं समझता हूँ कि हमने एक जिंदा दिल इंसान भी खो दिया है जो लोगों में सिर्फ कला के अलावा पॉजिटिविटी भी बांटता था, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल गुरप्रीत जी, और एक मिडिल क्लास फैमिली से आकर जिस तरीके से उन्होंने अपनी पूरे संघर्ष के साथ सक्सेसफुल लाइफ उन्होंने जी है और यहाँ तक पहुंचे, इतनी कम उम्र में उनके चले जाना वाकई बहुत दुखद है। खुद जो अनुपम खेर हैं, उनके करीबी मित्र रहे हैं, शुरुआत से एनएसडी में उनके साथ रहे, वो भी इस बात से बेहद दुखी हैं कि रोजाना फोन पर उनकी बातचीत होती थी, एक आदत बन गए थे, जो भी उनसे मिलता था वो हमेशा उनके साथ जितनी भी चीजें हुई हैं, जो मुलाकात रही है, उसे उसका पूरा फ्लैशबैक इस वक्त चल रहा है। गुरप्रीत जी बिल्कुल जी, मतलब देखा जाए तो फिल्मों की बात छोड़ें, टेलीविजन पे भी जब शुरुआत हुई थी तो इनका और पंकज कपूर साहब का एक शो बड़ा पॉपुलर हुआ था, तो इन्होंने लोगों को एक मतलब नया आयाम दिया था कि अगर जुगलबंदी में भी अच्छा काम करना हो तो कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्म करना अलग बात होती है। और तब अभी टेलीविजन शुरू हुआ था जब पंकज कपूर साहब का इनका शो आया करता था, तो वो एक, मुझे लगता है ये लोग अपने आप में एक संस्थान है, ये जो अभी भी जिनके मैं नाम भी ले रहा हूँ, तो इनसे सीखने वाला बहुत कुछ है इस दुनिया में, लेकिन अफसोस है कि ये लोग आज सीखना बंद कर चुके हैं, सिर्फ सिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। तो ये उस युग का, मुझे लगता है एक आखिरी दौर है, उस युग का एक आखिरी पड़ाव है, जब हमारे पास ऐसे फनकार लोग, ऐसे बड़े दिग्गज कलाकार हैं, और उनमें से ऐसे जब कोई चला जाता है तो लगता है कि बहुत बड़ा घाटा हो गया, जो शायद आप कभी आगे जाके पूरा नहीं। बिल्कुल गुरप्रीत जी, अपने आप में एक्टिंग की और एक अच्छे इंसान होने की वो इंस्टीट्यूट उनको कह सकते हैं, खुली हुई किताब थे वो, उनसे आने वाले जो एक्टर्स हैं, जो युवा हैं, जो उनसे प्रभावित हुए हैं, एक बड़ी इंस्पिरेशन है सबके लिए। हाँ बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि अभी भी जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो इधर उधर भटकने की बजाय या छोटे मोटे ऐसे दुकानों की तरह खुले हुए इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, जो छोटे छोटे ऐसे ही गली मोहल्ले में भी खुल गए हैं, उनकी बजाय इन लोगों का काम देखा करें घर बैठ के, इन लोगों को वो अपने टीवी सेट्स पे चला के देखा करें, तो अपने आज तो हाथों में मोबाइल है, तो इन लोगों से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और मजे की बात है कि हम खुद अपना काम कर रहे हैं, अच्छा, आप लोगों की दुआओं से एक अच्छा मकाम है, लेकिन हम भी जब फ्री होते हैं तो ऐसे लोगों को जरूर देखते हैं कि इनमें से अभी क्या चीज है जो हम लोग सीख नहीं पाए, है ना। तो मुझे लगता है ये लोग हमेशा इंस्पिरेशन बन के हमारे बीच में रहेंगे। थैंक गॉड के अभी मीडिया इतना बड़ा हो चुका है, इतना फैल चुका है कि ये लोग हमारे पास, हमारे हाथ में अभी संभाल के रखे जाएंगे, हमारे मोबाइल में भी ये लोग रहेंगे और इनको कभी भी कहीं भी देखा जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी ने एक हमें एक ब्लेसिंग दी है, लेकिन फिजिकली उनको कभी हम देख नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे, इस बात का मलाल हमेशा रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका गुरप्रीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बॉलीवुड एक्टर आरती नागपाल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरती जी, आज बहुत ये दुखद खबर सामने आई है, सतीश कौशिक का अचानक यूं चले जाना हर किसी को हैरान परेशान कर रहा है, आप कैसे उनको याद करेंगी? जी मैं आज सुबह मुझे 6 बजे न्यूज मिली है और मेरा दिल बैठ गया है, क्योंकि हम लोग अभी 2 दिन पहले साथ में होली मना रहे थे,
जानकी कुटीर में जावेद जी के वहां पर, और इतनी मस्ती मजाक कर रहे थे, धमाल कर रहे थे, ऐसा लग ही नहीं सकता कि किसी को हमारी जिंदगी कितनी फ्रजाइल है। हम इंसान इतने गुरूर, इतने घमंड और इतने अलग दिमाग रखकर जीते हैं दुनिया में, किसी से हंसकर बात नहीं करते हैं, किसी का दुख दर्द नहीं समझते हैं, हम कितने फ्रजाइल है। एक मोमबत्ती कैसे करो इतनी देर में हम बुझ सकते हैं। मेरा एक्चुअली मैं बहुत ही अनस्टेबल हूँ सुबह से। मैंने सतीश जी के साथ में फिल्म भी की थी वजह, और मैंने उनको उसी दिन होली के दिन बोला कि आपका आपका मैंने उनको बोला कि देखो हमने तो आपसे पिक्चर की थी, देखो पुलसिया दिमाग, क्योंकि उनका डायलॉग था वैसा फिल्म में। मैं ग्रेसी अरबाज और हम लोग सब लोग साथ में थे गौतम अधिकारी जी की फिल्म में, और आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली ही वॉज वेरी डियरेस्ट एंड वेरी अमेजिंग पर्सन। वेन एवर आई हैव मेट हिम इन विच एवर इवेंट, ही इज बीन सो very shocking and disturbing. No doubt कि हमारे पास में OTT platforms हैं, phones हैं, उनके रेडियो पर भी एक शो आता था जहाँ पर वो मस्ती मजाक करते थे और सबको बंटू पपलू पपलू करके बोलते थे, टपलू वपलू करके, आपने शायद सुना होगा। मैं कभी भी ड्राइव करती थी तो उनका शो सुनती थी, तो मुझे इतनी खुशी होती थी कि कितने स्वीट हैं ये, कितना हंसाते हैं लोगों को। एंड ही इज नो मोर नाउ, आई एम रियली सॉरी। बिल्कुल आरती जी, बाकी बहुत दुखद है। वो अपने आप में एक्टिंग के, कॉमेडी के एक इंस्टीट्यूट थे, और उनका जाना किसी को भी हैरान परेशान तो कर ही रहा है, साथ में यकीन भी नहीं आ रहा है। कि अभी अनुपम खेर जी को भी हम सुन रहे थे, उनका भी ये कहना है कि अभी होली उन्होंने खेली थी और फोन पर उनकी बातचीत भी हुई थी, ये वाकई यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल है। वो एक्चुअली है ना बहुत ज्यादा फैमिली, मैं बहुत सालों से उनके साथ में जुड़ी हुई हूँ, भले ही हम लोग रोज ना मिले, पर एक मैं बच्ची थी तब से लेके आज तक, और अभी परसों साथ में होली मनाई है, तो मुझे मैं मेरे बच्चे के साथ में थी, तो आई हैव मी एंड माय डॉटर प्रियांशी वी वर देयर टुगेदर। मैंने फोटो भी पोस्ट की थी परसों ही मेरे इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल आरती जी भावुक पल है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो